ऐसा ये खुशी का, ये खुशी का आंसू है, खुशी का आंसू है। सब सब एक पिता का फर्ज अदा करने के बाद हमारे आंखों में आंसू आया कि बहुत दिनों। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। यूक्रेन से जो छात्र छात्राएं बिहार वापस आ रहे हैं उसमें अब जदयू के विधायक राजीव सिंह की बेटी भी वापस आई है। जी हां, खुद जदयू विधायक राजीव सिंह अपनी बेटी को एयरपोर्ट लेने पहुंचे और वो बेटी को देखते ही भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गया। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखकर अपनी बेटी को वापस ला रहे हैं एयरपोर्ट से, और उनके चेहरे पर मुस्कान है, सुकून है कि वो अपनी बेटी को सही सलामत बिहार वापस ले आए हैं। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आप रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो खुशी के आंसू है कि हम अपनी बेटी को सही सलामत देख रहे हैं। ऐसे में उनकी बेटी यूक्रेन के बारे में क्या कुछ बता रही है और कैसे भारत सरकार उनको यहाँ लाने में मदद की है, ये सारी जानकारी वो साझा कर रही है, आप खुद सुनिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, और भी बच्चे हैं जो आ रहे हैं, सेफ है, सारे रोमानिया के बॉर्डर पे हैं। गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है हमारी और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही आने में, हम सेफली आ जा रहे हैं। एक सवाल है, मेडिकल की छात्रा है, मेडिकल का पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी, क्या भारत सरकार को ऐसी सुविधा यहाँ भी करनी चाहिए जिससे कि छात्राएं हो, छात्र हो, छात्राएं यहाँ भी सुविधा हर जगह है? ऐसा नहीं है कि भारत में सुविधा नहीं है, भारत में तो और अच्छी मेडिकल की पढ़ाई होती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सुविधा नहीं है इसलिए मैं बाहर गई पढ़ने। जहाँ मेरा मन किया मैं वहाँ गई पढ़ने के लिए। जैसी तस्वीरें दिख रही है वहाँ पर युद्ध चल रहा है, कैसा यहाँ आके हालात? वहाँ पे अभी डिस्टर्ब है, बहुत सारे शहर जैसे बड़े बड़े शहर में बॉम्ब्स वगैरह का इशू है, बट जहाँ से मैं आ रही हूँ वो सेफ जगह है, वो रोमानिया से 30 किलोमीटर के रेंज में है, वो सेफ थी, बट सिटीज़ में अभी थोड़ा डिस्टर्ब। बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे फंसे हुए हैं, रोमानिया के बॉर्डर पे हैं बच्चे, सेफ हैं बच्चे, गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने बच्चे को ले आएगी, तो डरने का कैसा लग रहा है बेटी से मिल के? बेटी से मिल के बहुत खुशी हो रही है। ऐसा ये खुशी का आंसू है, खुशी का आंसू है कि माँ की जो स्थिति थी उससे बच्ची निकल कर आई है, तो सब सब एक पिता का फर्ज अदा करने के बाद हमारे आंखों में आंसू आया कि बहुत दिनों के बाद हम बेटी से मिले, और उसका खुशी का आंसू है। ऐसा नहीं कि मैं डर के आंसू बहा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, और भारत सरकार पे मुझे नाज है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ के बच्चों को लाने का काम किया इसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज यहाँ बेटी को बचा करके उनका सपना साकार हो रहा है। तो आपने राजीव सिंह की बेटी को सुना, आपको बताते चले कि राजीव सिंह जदयू के MLA है। ऐसे में कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वो परेशान थे कि उनकी बेटी यूक्रेन में फंस गई है, लेकिन उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा था, और आज भी वो यही कह रहे हैं कि हमें सरकार पर भरोसा था और सरकार सभी बच्चों को सही सलामत वापस ला रही है। उनकी बेटी का भी कहना है कि हम जहाँ पर थे सुरक्षित थे, ऐसे में किसी भी बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो भारत के हैं, बिहार के नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी भी कोने से हैं, वो सभी सही सलामत है और सुरक्षित है, और लगातार भारत सरकार उनको वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है और सबको सही सलामत भारत ला भी रही है। ऐसे में वो शुक्रगुजार हैं और साथ ही तमाम बातें साझा कर रही है कि यूक्रेन के हालात किस कदर है, क्या कुछ वहां पे हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।